जय सियाराम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज में। हम आज की क्लास में इंग्लिश पेडागॉजी का लेक्चर नंबर 9 देखने जा रहे हैं। इससे पहले हमने लेक्चर 8 तक देखा हुआ है। यदि आपने नहीं देखा है तो अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है इंग्लिश पेडागॉजी नाम से, आप उसमें जाकर के सभी वीडियो को देख सकते हैं। ये जो वीडियो है, ये जो लेक्चर्स है, आपके आगामी शिक्षक भर्ती परीक्षा के अंतर्गत शिक्षक एवं सहायक शिक्षक दोनों के लिए ही लाभकारी है। साथ ही साथ सीजी टेट के पेपर 1 पेपर 2 और आपके सी टेट के पेपर 1 पेपर 2 में लाभकारी है। तो चलिए हम आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। क्लास को स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचते रहे। सेशन यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके और वो भी इसका लाभ ले सके। चलिए फिर हम आज की क्लास को अपनी स्टार्ट करें। और बहुत ही कम समय बचा है होली डिस्काउंट ऑफर के लिए, तो यदि आप इच्छुक हैं कोर्स को ज्वाइन करने के लिए तो होली डिस्काउंट ऑफर के अंतर्गत आप कोर्स में अपने जो भी कोर्स आप चाहते हैं परचेज करना तो आप उसमें एनरोलमेंट अपनी करवा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा 9584532690। ये सभी क्लासेस हमारे मोबाइल ऐप में चलेंगी और मोबाइल ऐप की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अदरवाइज आप प्ले स्टोर से डायरेक्टली जाकर के डाउनलोड करके हमारे मोबाइल ऐप को क्या कर सकते हैं, कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, होली डिस्काउंट ऑफर का लाभ ले सकते हैं। और ये जो ऑफर है सीमित समय के लिए ही है, इसीलिए आप स्वयं यदि इच्छुक हैं या फिर अपने परिवारजन या फिर अपने दोस्तों तक वीडियो को शेयर करिए और उनको भी बताइए कि होली डिस्काउंट ऑफर के अंतर्गत कोर्स एकदम मिनिमम अमाउंट में मिल रहा है। चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करें। अब तक हमने इंग्लिश पेडागॉजी के बहुत सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस किया हुआ है। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे तो वो डिजीज से संबंधित है कि बच्चों में प्रायर डिजीज हम देखते हैं और वो क्या है, किन कारणों से है और वो क्या चीज को दिखाते हैं, क्योंकि एग्जाम में हमारे क्वेश्चन आता है। तो पहला आता है हमारा डिसलेक्सिया। क्या आता है? डिसलेक्सिया। अब ये डिसलेक्सिया क्या होता है तो इसको अपन समझते हैं। डिसलेक्सिया क्या होती है, इसमें बच्चों को जैसे कि राइमिंग में उनको दिक्कत जाती है, मतलब कि यदि हम देखें चाइल्ड स्ट्रगल्स टू फाइंड राइमिंग वर्ड्स। Like the cat sat on the, ठीक है, यानी कि राइमिंग में उनको क्या जा रही है, दिक्कत जा रही है। इट मीन्स वॉट दे आर डूइंग, दे मिक्सेस अप वर्ड्स एंड साउंड्स। क्या करते हैं, साउंड और वर्ड को मिक्स कर देते हैं। जैसे कि टेडी बियर बोलना चाहिए तो वो बोल देंगे बेडी बियर। जैसे कि हम मान करके चले, देखो ये क्या लिखा है, टेडी बियर है ना, टेडी बियर, तो इसके लिए ये क्या यूज कर लेंगे, बेडी बियर, बेडी टियर, बेडी टियर, यानी कि बी यहां पे यूज कर लिए और टी यहां पे यूज कर लिए, बेडी टियर। टेडी बियर को बेडी टियर बोल दिए, ठीक है। बी को डी बोल देंगे कभी कभार बच्चे, है ना, जैसे कि एल एम एन ओ, तो एल एम एन मतलब कि उनको पता ही नहीं क्या है एल एम एम, तो एल एम एम, एन बोलना है तो एल एम एम बोल रहे हैं, समझ में आ रहा है। तो इट मीन्स वॉट, फाइंड इट हार्ड, दे फाइंड इट्स हार्ड, दे फाइंड इट हार्ड टू से, दे फाइंड इट हार्ड टू से द अल्फाबेट, द अल्फाबेट
इन द राइट ऑर्डर, इन द राइट ऑर्डर, वो ऑर्डर में नहीं बोल पाते हैं क्या अल्फाबेट्स को। इसका मतलब ये कैसी डिफिकल्टी है, ये डिफिकल्टी है प्रोसेसिंग की। डिफिकल्टी है कैसी, तो डिफिकल्टीज विथ प्रोसेसिंग है, ये प्रोसेस नहीं कर पाए हैं ये। तो उन्होंने क्या किया, वर्ड्स को साउंड को उन्होंने मिक्स किया हुआ है। ये आप देख रहे हैं टेडी बियर को, वो क्या बोल रहे हैं, बेडी टियर। तो ये क्या हो गई, ये कौन सी बीमारी है, उनको डिसलेक्सिया की बीमारी है। तो आप लोग थोड़ा पॉज करिए और इसको जरूर एक बार पढ़िए कि आखिरकार क्या है डिसलेक्सिया। क्यों, क्योंकि हमें बेटर अंडरस्टैंडिंग जब तक नहीं होगी तब तक हम क्या करेंगे कि इसको मिक्स कर देंगे, या फिर हम सिंपल शब्दों में समझें डिसलेक्सिया क्या है, डिफिकल्टी इन रीडिंग। इतना कुछ पढ़े तो क्या जाने, तो ये जाने डिफिकल्टी किस में आ रही है, डिफिकल्टी इन रीडिंग, पढ़ने में दिक्कत जा रही है बच्चों को, ये है डिसलेक्सिया। क्लियर है आप लोगों को? तो यहाँ पे बच्चे, यदि हम बात करें कि बच्चों को अगेन यदि हम समझने की कोशिश करेंगे तो क्या है, वो प्रोसेस नहीं कर पाए, प्रोसेस नहीं कर पाए इट मींस कि वो पढ़ नहीं पा रहे हैं, वो आगे का पीछे, पीछे का आगे पढ़ रहे हैं। सिंपल शब्दों में यही डिसलेक्सिया होता है, इट मींस ये एक प्रकार की लर्निंग डिसेबिलिटी के अंतर्गत आता है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट जो है हमारा डिस्प्रेक्सिया क्या है, आई होप यहां तक क्लियर हुआ होगा आप लोगों को। सेकेंड थिंग डिस्प्रेक्सिया, डिस्प्रेक्सिया अब ये क्या होता है, तो डिस्प्रेक्सिया पहले समझेंगे फिर उसके बाद में आगे कंटिन्यू करेंगे कि यदि उनकी हैंडराइटिंग जो होती है, यदि उनकी हैंडराइटिंग या फिर हम बोलेंगे ड्राइंग, कुछ बना रहे हैं है ना, ड्राइंग्स एपियो स्क्रिबल्ड कैसे दिख रही है, एपियो स्क्रिबल्ड। अब ये स्क्रिबल्ड क्या है, तो इसको भी समझने की कोशिश करते हैं अपन लोग। जैसे कि वो क्या करे, अवॉइड्स जॉइनिंग, दे वॉट, दे अवॉइड वॉट, दे अवॉइड्स जॉइनिंग इन बिकॉज, जॉइनिंग इन बिकॉज दे मे मेस समथिंग अप, दे मेस समथिंग समथिंग अप, इट मीन्स उनको क्या चीज की डिफिकल्टी हुई, उनको डिफिकल्टी हुई, डिफिकल्टी इन स्टैकिंग ब्रिक्स। अभी इतने हार्ड हार्ड खुद ही वर्ड है कि समझ में ही नहीं आ रहे, इट मीन्स उनको डिफिकल्टी है कोऑर्डिनेशन की, सिंपल से समझो, डिफिकल्टीज विथ कोऑर्डिनेशन, उसमें प्रोसेस नहीं कर पाए। ठीक है, यानी कि पढ़ नहीं पा रहे थे, कोडिंग लिख दिया मैंने, एक मिनट है ना, कोऑर्डिनेशन। देखो इसको समझने की कोशिश करते हैं कि डिस्प्रेक्सिया क्या होता है। ठीक है, डिस्प्रेक्सिया की बात करें कि यहाँ पे उन लोग क्या कर रहे हैं कि हैंडराइटिंग उनकी या फिर कोई ड्राइंग उनकी एकदम मिक्स मेस मेसी सा दिख रहा है ना, मतलब कि कुछ चीज क्लियरली अपने को नहीं समझ में आ रहा है कि क्या चीज लिखा हुआ है, क्या चीज नहीं है यहाँ पे। तो हम ऐसा समझ सकते हैं कि वो कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहे हैं चीजों को, क्या नहीं कर पा रहे हैं, वो कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहे हैं चीजों को, इसीलिए उनको समझ में नहीं आ रहा है कि अपने को कहाँ पे इसको ड्रॉ करना है, कहाँ पे क्या नहीं कर, क्या कहाँ पे लाइन खींचनी है, कहाँ पे नहीं खींचनी है। तो ये डिफिकल्टी उनको क्या हो रही है,
मोटर स्किल में उनको डिफिकल्टी है, मोटर मूवमेंट कोऑर्डिनेशन में उनको डिफिकल्टी हो रही है, तो हम बोल सकते हैं कि वो किस चीज से ग्रस्त है, डिफिकल्टी विथ कोऑर्डिनेशन, और वी कैन से डिफिकल्टी विथ मोटर मूवमेंट, डिफिकल्टी। नेक्स्ट पेज में ही लिखो, इनकी पीडीएफ ना आपको हमारे मोबाइल ऐप से मिल सकती है, ठीक है, जो भी क्लास में करवाया जा रहा है। डिफिकल्टीज, दे फेस डिफिकल्टीज विथ मोटर मूवमेंट, विथ मोटर इट मीन्स मूवमेंट, है ना, विथ मोटर स्किल, ठीक है। ये क्या होता है, ये डिस्प्रेक्सिया होता है। क्या होता है, डिस्प्रेक्सिया यानी कि मोटर स्किल डिसऑर्डर है ये। इसको एक लाइन में समझ सकते हो कि कैसा डिसऑर्डर है प्रेक्सिया, मोटर स्किल डिसऑर्डर, मोटर स्किल डिसऑर्डर, ये डिस्प्रेक्सिया होता है। क्लियर है, एग्जाम में पूछा भी गया था डिस्प्रेक्सिया इज रिलेटेड विथ, तो ये क्या है, तो डिस्प्रेक्सिया इज रिलेटेड विथ व्हाट, दिस इज रिलेटेड विथ पुअर मोटर स्किल, क्योंकि ये मोटर स्किल डिसऑर्डर है जहाँ पे बच्चे की राइटिंग, बच्चे की ड्राइंग जो भी वो बनाते हैं वो एकदम मिक्स एंड मेसी सा दिखता है, यानी कि अवॉइड्स जॉइनिंग इन बिकॉज दे मेस अप समथिंग, यानी कि सबको मिक्स आउट कर देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में यदि हम देखें कि कोऑर्डिनेशन की उनमें कमी है, यानी कि दिक्कत जा रही है उनको, और उनको, या फिर हम बोलेंगे डिफिकल्टी विथ मोटर और वी कैन से मूवमेंट स्किल है ये। क्लियर है आप लोगों को, यहाँ पे थोड़ा सा ना आप लोगों को याद करके चलना है, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले जो हमने पढ़ा वो क्या पढ़ा, डिसलेक्सिया पढ़ा, और डिसलेक्सिया के अंतर्गत हमने ये जाना कि वो प्रोसेस नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि दे फेस डिफिकल्टी इन रीडिंग, और वी कैन से दे स्ट्रगल्स टू फाइंड राइमिंग वर्ड्स, टेडी को बेडी बोल रहे हैं और बियर को टीयर बोल रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट में हम आते हैं और नेक्स्ट बीमारी क्या है, डिस्प्रेक्सिया को पढ़ा यानी कि कोऑर्डिनेशन की उनमें कमी पाई गई है, ठीक है। नेक्स्ट यदि हम देखें कि जो हमें नेक्स्ट डिफिकल्टी अब उनको पढ़नी और फेस करते हैं बच्चे, वो क्या है, डिसग्राफिया की, डिसग्राफिया। देखो ग्राफिक इज समथिंग दैट इज रिलेटेड विथ राइटिंग, ठीक है, तो ग्राफिया इट मींस क्या है, इट इज अ डिफिकल्टी विथ राइटिंग, ठीक है, क्या है, डिफिकल्टीज विथ राइटिंग, विथ राइटिंग, बी को डी लिख रहे हैं वो लोग, बी को डी लिख, जैसे ऐसे घुमाना है तो वो ऐसे घुमा देते हैं, डिफिकल्टी विथ राइटिंग है ना, दे राइट लेटर्स, तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, दे राइट लेटर्स इन अ रॉन्ग वे, लेटर राइट्स लेटर्स द रॉन्ग वे राउंड, है ना, इधर घुमाना था तो इधर घुमाए हैं, द रॉन्ग वे राउंड, द रॉन्ग वे, इधर घुमाओ तो उधर घुमा डाले हैं बच्चे, ठीक है। जैसे कि बच्चे क्या, जैसे कि हम बात करें कि लिखना है इंडिया, ठीक है, लिखना है भारत, भारत लिखना है, तो वो ऐसे लिख रहे हैं, ऐसे लिख रहे हैं, यानी कि वो क्या कर रहे हैं, जहां पे अपर केस यूज करना है तो लोअर केस यूज कर दे रहे हैं, यानी कि वो अल्टीमेटली कर क्या रहे हैं, वो कर रहे हैं यूजेस अपर केस, नेक्स्ट पेज में लिख देती हूँ, यूजेस अपर केस लेटर्स व्हेन नॉट नीडेड, व्हेन नॉट नीडेड, व्हेन नॉट नीडेड, ठीक है। जैसे कि लेटर ही लिखना है मान करके चलो, ऐसे लिखाएगा लेटर, तो वो क्या कर रहे हैं बच्चे, तो इसको L बना दिए, इसको T बना दिए, फिर उसके बाद TT लिखे, फिर E लिख दिए और R लिख दिए, यानी कि जरूरी नहीं है कि वो यहाँ पे कैपिटल लाए, लेकिन वो ला रही हैं, इसका मतलब होता है डिसग्राफिया, यानी कि वो क्या कर रहे हैं,
कि गलत तरीके से, जैसे कि नाइट लिखना है, अब हम मान करके चले, और भी जैसे कि नाइट लिखना है तो वो नाइट ही लिख दिए, नाइट लिखना था तो नाइट लिख दिए, कि स्पेल्स वर्ड्स हाउ दे साउंड, यानी कि वो कैसे, जैसे कि हम बोलते हैं ना डोरे मॉन, तो डोरे मॉन ठीक है, और जैसे कि ऐसा मानकर कि चलो नाइफ लिखना है, ठीक है, नाइफ की स्पेलिंग क्या है, के एन आई एफ ई, लेकिन उनको नाइफ, तो वो क्या करेंगे, नाइफ, जैसे कि सुनाई दे रहा है वर्ड, जैसे कि सुनाई दे रहा है कोई भी शब्द, वो वैसा ही उसको लिख देते हैं, इसका मतलब हम बोल देंगे स्पेल्स वर्ड्स हाउ दे साउंड, यानी कि स्पेलिंग वो कैसे लिख देते हैं, जैसा वो आवाज उनको सुनाई दिया। क्लियर है आप लोगों को? तो ये क्या है, ये डिसग्राफिया है, यानी कि उनको लिखने में दिक्कत आ रही है। ठीक, नेक्स्ट में आ जाओ। नेक्स्ट बीमारी उनकी होती है डिसकैल्कुलिया की। क्या होती है? कैल्कुलिया। देखो, कैल्कुलिया इज समथिंग दैट इज रिलेटेड विद कैलकुलेशन, एंड कैलकुलेशन इज समथिंग दैट इज नीडेड इन मैथमेटिक्स। ठीक है, यानी कि समथिंग जो कि एसोसिएटेड है, कैलकुलेशन इज एसोसिएटेड विद नंबर ना, नंबर को कैलकुलेट किया जाता है, यानी कि डिफिकल्टीज, हम यदि बोले डिफिकल्टीज विथ नंबर्स, यानी कि नंबर के साथ में दिक्कत हो रही है, यानी कि क्या वो कर रहे हैं, वो भूल जा रहे हैं, व्हाट दे आर फॉरगेटिंग, दे फॉरगेट्स द नेम्स ऑफ नंबर्स, नंबर्स के नाम भूल जा रहे हैं, when that number shown to them, यानी कि जब उनको नंबर दिखाया जाता है तो वो उसका नाम भूल जा रहे हैं। ठीक है, जैसे कि हम बोल रहे हैं ये क्या है, तो एक देख रहे तो बोले वन है, वो भूल गए कि ये 11 है। ठीक है, कि forgets the names of number when shown them, क्लियर है? फिर उसके बाद में और क्या दिक्कत जा रही है उनको, तो उनको दिक्कत जा रही है मिक्स अप द मीनिंग ऑफ द सिंबॉल। इसका क्या मतलब है, देखो समझना है, मिक्सेस अप द मीनिंग ऑफ सिंबॉल्स। इसका क्या मतलब हुआ, देखो जहां पे प्लस करना था तो माइनस कर बैठे हैं, जहां पे प्लस करना था तो वहां माइनस कर बैठे हैं, जैसे कि हम मान करके चलें, जैसे कि माइनस है, प्लस है, मल्टीप्लिकेशन है, फिर बोला गया कि आपको 1+1 करना है, तो वो क्या कर देंगे, 1-1, यानी कि वो मिक्स कर दे रहे हैं सिंबल को, करना कुछ था तो करके कुछ, अब माइनस बोला गया तो प्लस करके आ गए, मिक्स कर दिए हैं वो लोग। ठीक है, यानी कि दे स्ट्रगल्स टू अंडरस्टैंड, कैलकुलेशन से संबंधित है, इट मींस दे स्ट्रगल टू अंडरस्टैंड दैट सपोज 4 है ना, दैट 4 कैन बी मेड फ्रॉम 2+2 or 3+1, यानी कि उनको समझ में नहीं आ गा रहे, मेरी मैडम तो बताई है कि 2+2 4 होता है, तो आप कैसे बता रहे हो कि 3+1 4 होता है, उनको समझ में नहीं आ रहा है, कैलकुलेशन में उनको दिक्कत जा रही है कि नहीं, ये 3 में यदि हम 1 को जोड़ेंगे तो भी 4 आएगा, 2 में 2 को जोड़ेंगे तो भी 4 ही आएगा, यानी कि उनको दिक्कत हो रही है, समझ में आया, ये होती है डिसकैलकुलिया। तो अब तक हमने क्या क्या देखा, हमने देखा डिसलेक्सिया, यानी कि रीडिंग में डिफिकल्टी है, यानी कि प्रोसेस नहीं कर पा रही है। ठीक है, डिसप्रेक्सिया देखा हमने, यानी कि जो दिक्कत है वो मोटर स्किल के साथ है, यानी कि कोऑर्डिनेट नहीं कर पाए हैं। फिर हमने देखा डिसग्राफिया के अंतर्गत, यानी कि उनको लिखने में परेशानी हो रही है, बी का डी लिखते हैं, डी का बी लिखते हैं, लेटर अपर केस यानी कि कैपिटल लेटर नहीं भी यूज करना है तो भी यूज कर दे रहे हैं,
जैसे वर्ड सुनाई देता है वैसे ही लिख देते हैं, ठीक है। डिसकैलकुलिया, ये क्या है? डिसकैलकुलिया के अंतर्गत आता है कि उनको कैलकुलेशन में दिक्कत हो रही है, यानी कि उनको नंबर्स के साथ में दिक्कत हो रही है। ये क्या है? ये हमने अलग अलग प्रकार के क्या पढ़ा है, लर्निंग डिसेबिलिटी को पढ़ा है, जो कि हमारे एग्जाम में निश्चित रूप से पूछा जाता है। तो आज की क्लास को यहीं पे एंड करेंगे। आशा है कि ये सभी चीजें आपको समझ में आई हैं, और मेरी गारंटी है यदि आपने अच्छे से ये सेशन को देखा है, एग्जाम में चाहे कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए, आपका लर्निंग डिसेबिलिटी से क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है। तो आज की क्लास को यहीं पे एंड करेंगे, नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। नेक्स्ट सेशन तक के लिए आप सभी को जय सियाराम, और होली डिस्काउंट ऑफर का लाभ लेने के लिए आप लोग अभी डाउनलोड कीजिए हमारे ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज मोबाइल ऐप को, और कोर्स में एनरोलमेंट करवा लीजिए, अदरवाइज होली डिस्काउंट ऑफर लैप्स हो जाएगा और आपको कोर्स अपने ओरिजिनल प्राइस में ही मिलेगा। तो लाभ जरूर लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए ही ये डिस्काउंट ऑफर लाया जाता है। तो डिस्काउंट ऑफर का लाभ लीजिए, अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा 9584532690 पर, ठीक है। चलिए आज की क्लास को यहीं पे एंड करेंगे। अगेन मैं कहूंगी आप सभी को जय सियाराम, और होलिका दहन की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को, और अच्छे से होली खेलिए, परिवार के साथ रहिए और बहुत ही एंजॉय करिए, ठीक है। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, नेक्स्ट सेशन तक के लिए ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग। थैंक यू फॉर द सेशन। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।